इससे आप अपना वजन कम कर सकते हैं। चौथी बात, आप देखें कि जो पार्टी बस खड़े हार्ट के जो बड़े पुराना मिथ था कि वो लोग अंडे इवन इंटरनेशनली भी ये कहा जा रहा है जो हार्ट पेशेंट है वो अंडे खाएँ। क्यों? इसकी मैं रीज़न बताता हूँ कि दो किस्म के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक HDL है हाई टेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एक LDL लो टेंसिटी लाइपोप्रोटीन। में HDL होता है जो कि वेरी नरिशमेंट जितनी भी आपके न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं आपके सेल तक पहुँचती है वो हर लेवल पे आपकी ग्रोथ। तीसरी चीज़ उसमें अगर ऐड कर दें, अगर आप देखेंगे आप एक अंडा ले लिया फॉर एग्जाम्पल टैक्स ले लिए तो आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई करके मतलब जिस तरह बुजुर्ग लोग आ रहे हैं हमारे वो इतने बड़े बड़े कैप्सूल उधर लेते हैं वाइटामिन ए इधर से पूरे कर रहे हैं बी उधर से कर रहे हैं सी उधर से कर रहे हैं विटामिन B6 इवन विटामिन B9 जो कि आपने देखा प्रेग्नेंट वुमेंस को फोलिक एसिड दिया जाता है विटामिन B9 है जैसे वो बेबी की इतना जो अंडे के अंदर ज़्यादा लेने से रखा ठीक है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में आप अंडा लेंगे तो आप अच्छा आपको मजे की बात होगी ये भी सर्वे हो चुका है कि जो लोग डेली दो अंडे खा रहे थे उनका और जो बिल्कुल सिंपल डाइट लेते हैं विदाउट डाइट उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल मैंने चेक किया गया फिर उनको कुछ पीरियड के लिए अंडे दिए गए देन उनका दोबारा कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक किया गया उनके कोलेस्ट्रॉल ब्लड डिफरेंस नहीं। इसका मतलब है जो आप अंडे खा रहे हैं उससे आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता जा बल्कि वो आपके बॉडी का हिस्सा बन जाता है। इससे आगे चले जाएँ फॉर एग्जाम्पल आपकी जो एक्टिविटी है बच्चों में ये हमारे इवन पाकिस्तान में भी सर्वे हुआ है मास ने किया था मुझे बढ़ते रहे उन्होंने स्कूल के बच्चे सेलेक्ट करे तो उनको अंडे खिलाए कुछ टाइम पीरियड के बाद उन्होंने उसकी एक्टिविटीज नोट की तो जब हमने ये उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जिन बच्चों को अंडे खिलाए गए थे उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस तो ये चीज़ गलत ये है कि डेफिनेटली अंडा अंडे के बारे में जो मिथ हैं गर्म अंडा तो ये हार्ट पेशेंट ना लें खुवान ना लें वो सारा स्ट्रॉन्ग प्रूव हो चुका है। नेशनली जो लड़ी है तो ये जो मैन नरिश अंडर नरिश रखने का ये कॉन्सेप्ट है पीछे वो यही है कि मिनिमम इनकी ग्रोथ हो इनका ब्रेन उस तरह पर 300+ अंडे खा रहे हैं पाकिस्तान तो पोल्ट्री के जितने भी इशूज हैं जितने भी तू बाहर कंज्यूमर एजुकेशन के वजह से तू बाहर फोन अंडे भी तो लाए रहने दे यार तोड़ कहीं और से पी सर ये हमारा अभी हमारी जो इधर दर्द हम उनके पार्ट बने हुए हैं एज एकेडेमिया क्योंकि हम एजुकेट करने के लिए बैठे हैं हमारे पास जितना भी नॉलेज है वो जहाँ जहाँ हमें हम अपने जितने भी हमारे पास नॉलेज है या इंटरनेशनल इंडिया के जितने भी इंफॉर्मेशन है उसके जो पेपर बनते हैं उसके जगावा दे रहे आती है तो वो हम प्रोवाइड करते हैं क्या